हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में भी हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अभी तक हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में पढ़ लिया है और इसके बाद क्या पढ़ा है, डचों के बारे में पढ़ रखा है। देखिए, जो इसके बाद जो क्रम आता है वो अंग्रेजों का है, लेकिन हम लोग अंग्रेजों को अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास बहुत लंबा है। हम लोग जब इसको शुरू करेंगे पढ़ना तो कंटिन्यू करेंगे और यह 1945 तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग फ्रांसीसी, देखिए डेनिश कंपनी का उतना रोल नहीं है भारतीय राजनीति में या भारत के इतिहास में, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। हम लोग अभी फ्रांसीसियों को पढ़ते हैं, यानी फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। 1664 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय फ्रांस का जो सम्राट था, जो शासक था, कौन था? वो लुई 14 था। लुई 14 के एक वित्त मंत्री थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था कोलबर्ट। इन्हीं की सलाह पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो इस कंपनी का मूल नाम था वो क्या था? वह था कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल्स। ठीक है, ये क्या है? इस कंपनी का मूल नाम है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर लगाई, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसकी प्रारंभिक फैक्ट्री कहाँ पे थी, उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, उसकी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर थी, या फिर सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई तो किसके द्वारा स्थापित की गई, फ्रांसीसियों में भी किसने उसकी स्थापना की थी। हम लोग क्या देखते हैं, फैक्ट्री में जो महत्वपूर्ण है वो फर्स्ट है और सेकेंड है। फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना, यानी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। कब की गई थी? 1668 में। किसके द्वारा की गई थी? यह है फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई थी? वो की गई थी मछलीपट्टनम में। कब की गई थी? 1669 में। 1669 में किसके द्वारा की गई थी? वह किया गया था मरकरा के द्वारा, मरकरा के द्वारा। तो आपके प्रारंभिक दो कंपनियां हो गई, दो फैक्ट्री हो गए, दो फ्रांसीसियों द्वारा, एक सूरत में और एक मछलीपट्टनम में लगाया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 1673 में 74 में फ्रेंको मार्टिन नाम के एक फ्रांसीसी नागरिक थे, इनको क्या हुआ? इनको 1673-74 में पुर्दुचेरी प्राप्त हुआ। पुर्दुचेरी मतलब आज का पांडिचेरी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत में कि पांडिचेरी आज के समय में किन किन राज्यों में है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि पांडिचेरी भारत के तीन राज्यों में है। एक केरल में है, जो केरल में है उसको माहे नाम से जाना जाता है, और एक आंध्र प्रदेश में है उसको यनम नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु में दो है, एक है करिकाल, सॉरी एक पांडिचेरी है और दूसरा एक जो दूसरा उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है करिकाल नाम से। एक ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी भारत के कितने राज्यों में है, या फिर किन किन जगहों पर पांडिचेरी अवस्थित है, तो यह चार जगहों पर है और कितने राज्यों में है? तीन राज्यों में है। केरल में माहे नाम से जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश में एनम नाम से, और तमिलनाडु में पांडिचेरी और करिकाल के नाम से। तो इस पुर्दुचेरी, इस पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, या फिर इसकी खोज किसने की थी, वह कौन था? वह फ्रेंको मार्टिन था। 1673-74 में क्या होता है, उसको पुर्दुचेरी प्राप्त होता है। इसी इसी पुर्दुचेरी में, इसी पांडिचेरी में क्या होता है कि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों ने अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की या कह सकते हैं किले की स्थापना की, जिसको फोर्ट सेंट लुइस के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? फोर्ट सेंट लुइस के नाम से जाना गया है, और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार करने का। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1690 और 92 के बीच में फ्रेंको मार्टिन ने ही क्या किया, बंगाल में फ्रेंको मार्टिन द्वारा चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। कहां पे? चंद्रनगर में
फैक्ट्री की स्थापना की गई, जो कहां पे थी, जो चंद्रनगर कहां पे है, यह बंगाल में है। यह इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था बंगाल में, जहां से ये लोग व्यापार करते थे, इनकी कोठी थी। और इसी चंद्रनगर को लेकर के, यहाँ पे किलेबंदी को लेकर के, जब सिराजुद्दौला का शासनकाल आता है, जब वहाँ का नवाब बनता है बंगाल का, तो उसके टाइम पे क्या होता है कि अंग्रेज कलकत्ता में और फ्रांसीसी चंद्रनगर में अपने अपने किले की किलेबंदी कर रहे थे, जिससे नाराज होकर नवाब ने इन दोनों को मना किया। फ्रांसीसी मान जाते हैं और अंग्रेज नहीं मानते हैं, जिसको लेकर के प्लासी का युद्ध होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बंगाल में चंद्रनगर में 1690-92 के बीच में क्या हुआ, इनकी एक फैक्ट्री वहां पे स्थापित हो गई। अब देखिए जो महत्वपूर्ण इनका इतिहास है वो क्या है कि अब इनका अंग्रेजों से मुकाबला जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनियां भारत में व्यापार करने आई हैं और कहीं कहीं अपने उपनिवेश को स्थापित करने को लेकर, कहीं कहीं अपने व्यापारिक वर्चस्व को लेकर के दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस क्रम में क्या होता है कि इस क्रम में कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीन महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जिसको इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। कर्नाटक युद्ध की बात करें कितने हुए हैं, ये टोटली तीन हुए हैं, तीन हुए हैं। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो प्रथम होता है वह इसका जो टाइम है वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में होता है। और जो दूसरा होता है, जो सेकेंड होता है, वो कब से कब तक होता है, वो 1749 से लेकर के किसी की किताब में 53 मिलता है, किसी बुक में क्या मिलता है, 54 मिलता है, 54 ज्यादा सही है, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो कब होता है, वो होता है 1798 से लेकर के 1763 के बीच में। यहाँ हम लोग देख रहे हैं तीन महत्वपूर्ण युद्ध हैं कर्नाटक युद्ध, किसके किसके बीच में हुआ है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, ये जो लास्ट युद्ध होता है, इसी युद्ध में क्या होता है कि एक संधि होती है 1763 में, जिसको कि इतिहास में पेरिस की संधि के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है, पेरिस की संधि, जो पेरिस में होता है। ये जो संधि होता है ना, इस संधि के द्वारा क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी को भारत में चंद्रनगर और जो है कि अगर हम बात करें माहे या फिर बात करें पांडिचेरी, इन सब जगहों पे क्या होता है, इनको सीमित कर दिया गया। अब ये भारत में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते थे और ऐसे व्यापार कर सकते थे, और इन सिर्फ सीमित क्षेत्रों से, ठीक है। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जब हमारा 1749-53 का सेकेंड कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बाद जब ये वाला युद्ध हो रहा है थर्ड कर्नाटक युद्ध, इसी के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको इतिहास में वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना गया है, वांडीवास का युद्ध। और यह युद्ध हुआ है 1760 में, किसके किसके बीच में हुआ है, यह युद्ध हुआ है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों के बीच में इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को एक तरह से निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। और यह जो 1763 का संधि होता है, उसके द्वारा क्या हुआ, इनके ऊपर कुछ संधियां ला दी गई, कुछ समझौते ला दिए गए, जिससे क्या हुआ, ये सिर्फ सीमित क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू किए। अब ये क्या रहा, ये एक तरह से फ्रांसीसियों का पूरा इतिहास, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है और कोई मैटर इससे ज्यादा है भी नहीं। और आप लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करेंगे और पूरा जो आगे का इतिहास है, चाहे बक्सर के युद्ध हो, चाहे प्लासी के युद्ध हो, चाहे आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आगे जितना भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो क्या होगा, वो अंग्रेजों का इतिहास होगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।